श्रीदेवी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस साहिब की यह पंक्तियां बेशक श्रीदेवी के जीवन को उकेरती हैं। भारतीय सिनेमा की चांदनी अब खो चुकी है। 50 साल से भारतीय सिनेमा को रोशन करने वाली चुलबुली परी आज हमारे बीच नहीं है। महज 4 साल की उम्र से सिनेमा में कदम रखने वाली श्रीदेवी का फिल्म सफर बेहद ही शानदार रहा। अपनी अदाकार अभिनय और खास संवाद अदा की बदौलत श्रीदेवी हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेंगी। आइए हम आपको श्रीदेवी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं, जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त सन 1959 में श्रीदेवी की पहली फिल्म थाईवान आई। ये तमिल फिल्म में श्रीदेवी ने भगवान मुरुगा का किरदार निभाया था। यह एक बाल कलाकार का रोल था। आपको बता दें कि श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 शिवकाशी महाराष्ट्र में हुआ था। अब ये तमिलनाडु में है। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा एंजल अयप्पन था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम बदलकर श्रीदेवी हो गया। भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। 80 से 90 के दशक में श्रीदेवी सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। उस समय वह सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री मानी जाती थी। साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सन 1975 में आई फिल्म जूली से उन्होंने हिंदी सिनेमा में बाल अभिनेत्री के रूप में अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन बतौर मुख्य कलाकार श्रीदेवी का बॉलीवुड में प्रवेश सन 1978 की फिल्म 16वें सावन से हुआ। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असल पहचान 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। आपको बता दें कि अपनी फिल्मी करियर में श्रीदेवी ने 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल, 21 मलयालम तथा कुछ कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। अपने शानदार अभिनय के बलबूते इन्होंने हेमा मालिनी के बाद एक अभिनेत्री के तौर पर जिस प्रकार स्थापित किया वो किसी अन्य के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। बॉलीवुड में सदमा, नागिन, निगाहें, मिस्टर इंडिया, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह और जुदाई उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। इन फिल्मों से श्रीदेवी ने साबित कर दिया था कि फिल्म में वो किसी मुख्य अभिनेत्री से कम नहीं है। एक बार श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि उनका रोल भी फिल्म के हीरो के ही बराबर होना चाहिए। उसके बाद दोनों की एक फिल्म खुदा गवाह आई थी, जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था। इस दौर में जहां एक तरफ अभिनेत्रियां अमिताभ के साथ काम करने के लिए उतावली रहती थी, श्रीदेवी ने उनकी फिल्म के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया था। श्रीदेवी ने अपने सह कलाकार अनिल कपूर और जितेंद्र के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की थी। उस समय यह जोड़ियां लोगों को खूब पसंद आती थी। जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने कुल 16 फिल्में की थी, जिसमें 13 फिल्में सुपरहिट रही। आपको बता दें कि 1983 में आई फिल्म सदमा में श्रीदेवी के अभिनय को सबसे ज्यादा सराहना मिली। इस फिल्म में उन्होंने कमल हसन के साथ काम किया था। सन 1983 में भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फिल्म बनी जो शायद उस वक्त की पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। इस फिल्म की कहानी मशहूर लेखक जावेद ने लिखी थी और इसे निर्देशित किया था शेखर कपूर ने। इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक पत्रकार की भूमिका निभाकर फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। समय के साथ सन 1979 में जब यश चोपड़ा ने फिल्म चांदी में श्रीदेवी को लिया, तो उस समय श्रीदेवी लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद यश चोपड़ा ने एक बार फिर लम्हे में श्रीदेवी को कास्ट किया। इस फिल्म में अनिल कपूर उनके साथ थे। साल 1952 में अमिताभ बच्चन के साथ श्रीदेवी ने खुदा गवाह में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया था। इस फिल्म में तेलुगु के मशहूर एक्टर नागार्जुन भी उनके साथ थे। इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक पठान लड़की का रोल अदा किया था। सन 1996 में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली और फिर फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया था। 15 साल के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2012 में अभिनेत्री फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में कमबैक किया। बॉलीवुड की इस दिग्गज अभिनेत्री की आखिरी फिल्म मॉम थी। लेकिन आपको याद दिला दें, अभी भी श्रीदेवी आनी बाकी है। जी हाँ, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो में भी श्रीदेवी ने काम किया है और वह एक बार फिर से पर्दों पर दिखेंगी। यह उनकी आखिरी प्रसिद्ध फिल्म होगी। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।